पर्वत पुरुष, पर्वत का सीना चीर के रास्ता बनाने वाले स्वर्गीय दशरथ मांझी, जिन्होंने अपने जिद पे 30 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना काट दिया और रास्ता बना दिया। ये गहलोर है और यहाँ पे ये अब उनके नाम से एक मंदिर बना हुआ है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और पीछे वो गगनचुंबी पहाड़ जिसके जिद के आगे दशरथ मांझी नहीं झुके और पर्वत को झुकना पड़ा, यानी रास्ता काट दिए। प्यार की निशानी, सच्चे अगर मोहब्बत की निशानी का है तो ये बिहार के गया वजीरगंज का जो गहलोर है वो है। और गहलोर की यही कहानी है कि दशरथ मांझी ने जो समाज में एक कठिनाई थी, जो आम लोगों के लिए एक समस्या था, पहाड़ को पार करना रास्ता नहीं होने के कारण, तो काट दिया। लंबी कहानी है, उनके बारे में जितनी दास्तां है, जितनी जुबान है, उतनी बातें भी होती है। लेकिन उनके बेटे भागीरथ मांझी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। आज दशरथ मांझी का या जो पर्वत काट के रास्ता बनाना लोगों के लिए तो बहुत आसान है, रास्ता है, लोग प्रेरणा देते हैं, लेकिन कितना मुश्किल रहा होगा वो वक्त जब यह इतना बड़ा फैसला आपके पिताजी ने लिए थी? वो तो पहाड़ी काटना तो जनता के सबके सुविधा ना हुआ, लोगों के लिए उन्होंने पहाड़ काट दिया। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, यह जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो क्या लगता है कि जितना विकास के वादे या जो तमाम बातें की जाती थी इन जगहों पर, या आप लोगों के लिए खासतौर पर कितना उसका असर आप लोगों को दिखता है, कितना लगता है कि उसका लाभ आपको मिल पाता है, जितनी योजनाएं चलती हैं, जितने वादा किया जाता है, जो दावे किए जाते हैं, वो दावा या वादा आप लोगों तक मिल पाता है? क्या लगता है कि जो सरकार के दावे हैं वो जो हकीकत कही जाती है आप लोगों के लिए या गहलोर के विकास के बारे में, वो कितना यहाँ धरातल पर उतरते दिख रहा है? कुछ फ़ायदा मिलता है पिता के नाम का, दशरथ मांझी के नाम का कुछ फायदा? फायदा तो यह सब रोड बना दिया, स्मारक बना दिया, थाना उना ये सब बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, यह तो फायदा हुआ। अच्छा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे तो आपने एक आवेदन दिया था? ना, कुछ जाहिर सी बात है, इनके पिता ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जाहिर सी बात है इनकी समस्या उनके आगे कुछ नहीं है। लोग हैं जो स्थानीय लोग, इनसे बात करते हैं, क्या लगता है कि इस इलाके में जितने विकास की बात की जाती है या फिर दशरथ मांझी जी के जिस तरीके से जिद था, जो समाज के लिए उन्होंने कर दिया, हाँ। क्या लगता है कि अब जो राजनीतिक दल हैं, अब चुनाव भी हो रहा है, ऐसे में जो वादे किए जाते हैं क्या वो पूरा होता है, या फिर गहलोर या फिर आसपास के लोगों जो इलाके हैं, या फिर वादा पूरा नहीं होता है? वादा पूरा नहीं होता है। अच्छा, इस इलाके का विकास के तौर पे तो दिख रहा है कि कई सारे इमारत बन चुकी है, कई सारे स्मारक बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही है, लगभग बिजली की भी पोल लग गए हैं, बिजली भी आ गई, लेकिन और क्या बुनियादी ऐसी जरूरत है जो पूरा नहीं हो पाता, या आप लोग देख रहे हैं कि जितनी शिद्दत, सब कुछ बुनियादी पूरा हो गया है। अच्छा, सब कुछ ही पूरा हो गया है, सब कुछ हो गया है, इस इलाके का विकास हुआ? हाँ, पूरा। हाँ, समस्या दूर भी होता है, राजनीतिक दल के वादे भी होते हैं और वादे पूरे भी होते हैं। खैर, जो तमाम लोग हैं इनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। यह दशरथ मांझी का द्वार है और यहाँ पे उनके बेटे भी हैं। दशरथ मांझी जिन्होंने इस विशाल पहाड़ के काट के रास्ता बना दिया, इस पत्थर को चीर दिए अपने जीत पे, अपने प्रेम के लिए, साथ ही साथ समाज को समर्पित किया यह रास्ता, दशरथ मांझी के हाथों के निर्मित है, यानी इस पहाड़ का सीना काट के इसमें रास्ता बनाकर दशरथ मांझी ने समाज में एक मैसेज दिया था कि अगर जिद हो और कुछ पाने की चाहत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दशरथ मांझी के लिए तो कई बातें कही जा सकती है, जितनी जुबान है उतनी बातें यहाँ पे है, उतनी कहानियाँ हैं उनके लिए, लेकिन गहलोर गया का वह जगह है जहाँ पे कभी रास्ता नहीं हुआ करता था, वजीरगंज और गया को जोड़ने के लिए एक वह रास्ता था या पहाड़, और इस पहाड़ के ऊपर से चढ़ के आना होता था, तब आप अपनी बेसिक जो ज़रूरत होती है वो गया से वजीरगंज और इमामगंज के रास्ते पहुंच सकते थे। लेकिन अब इस रास्ते को काट के अब सुंदर सड़क बन गई है, लेकिन इसका श्रेय दशरथ मांझी को जाता है। यह वही दशरथ मांझी हैं जिन्होंने इस पहाड़ का तो सीना चीरा ही, साथ ही साथ समाज के लिए एक बड़ा संदेश दिया, समाज को एक बड़ा रास्ता दिया और बताया कि अगर कुछ करने की चाहत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। कहा यह जाता है कि वो अपनी पत्नी के याद में इस तरीके से जिद पे अड़े कि उन्होंने पहाड़ को ही काट दिया, पहाड़ को झुकना पड़ा, और दशरथ मांझी ने इस पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बना के घंटों की चढ़ाई को ख़त्म कर मिनटों में पहुंचा दिया। और यही वजह है कि इस
इलाके का, गहलोर का जो विकास है वो दिख रहा है यहाँ पे चारों तरफ। अब जो बुनियादी ज़रूरत है वो तो दिख रही है, साथ ही साथ लोग आते हैं देखने के लिए कि गया का जो दशरथ महाजी थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, समाज को प्रेरणा दिए, और कैसे अपने प्रेम के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ी काट डाला। सहयोगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।